क्या हुआ है जो महाराष्ट्र में हुआ है या तमिलनाडु में हुआ है जो देश भर में फिर फैला है? आपको चुनिंदा कुछ चीजें, जैसे तमिलनाडु की एक मिड डे मील स्कीम थी, वो मतलब अपने 70 साल के इतिहास में 3 या 4 चीजें ऐसी होगी जो एज अ इट हैज कॉट फायर एज यू से। और आम आदमी पार्टी के केवल 5 साल में अगर आप चीजें देखें, स्कूल की, हमारे जो काम की प्रशंसा, अभी असम में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पे राहुल गांधी गए थे यूथ से इंटरेक्ट करने के लिए, वहां बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि आप हमारी स्कूलों की जो पूरी व्यवस्था है वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी की जैसे क्यों नहीं कर सकते? क्या जबरदस्त एम्पावरमेंट है। कर्नाटका के सदन में, असेंबली में ये डिस्कशन हो रहा था, वहां पे किसी और पार्टी के एमएलए ने बोला कि मैं दिल्ली में गया था, सरकारी स्कूल में गया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो आप ये सोचिए कि 5 साल के अंदर जो एक क्रांति आई है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। देश जब से आज़ाद हुआ, कितने यूएस के प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडीज आए होंगे, इसमें से कितनी बार कोई भी सरकारी स्कूल देखने गया? मेरे ख्याल से पूरे इतिहास में पहली बार हुआ होगा। देखिए, जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो तो समझते हैं कि KPI क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की रिजल्ट एरियाज, KRAs क्या होता है, उसी के आधार पर आपकी अप्रेजल होती है। लोगों को जान के और मुझे भी जान के ताजुब हुआ था जब मैं शुरू में गवर्नमेंट में आया था, यहाँ पर कोई अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको साल के अंत में क्या डिलीवर करना है वो कभी तय ही नहीं होता है, तय नहीं होता। तो एक हिसाब से काफ़ी अमेजिंग था कि सिस्टम चल रहा है और इसके बावजूद कि ऑनेस्ट लोग आए पॉलिटिक्स में, मंत्री बने, उनको भी डिलीवरी ग्राउंड पे करने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती। तो आउटकम बजट एक हिसाब से एम्पावरमेंट टूल है। एक तो जो मंत्री हैं और चुनी हुई सरकार हैं कि वो अधिकारियों को अकाउंटेबल बना सके, दूसरे लोगों को, एट द एंड ऑफ द डे लोगों को आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है कि हमारे काम करवा दीजिए, यही चाहिए लोगों को। तो एक हिसाब से हम खुद जवाबदेह होना चाहते हैं लोगों की तरफ कि देखिए, आज अगर हमने 69,000 करोड़ का बजट पास किया है तो इसका क्या मतलब है आपकी ज़िंदगी में? इसका मतलब है हेल्थ में क्या क्या काम होगा, एजुकेशन में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में क्या काम होगा, पानी में क्या काम होगा, ये सारी चीज़ें आज दिल्ली सरकार केवल इकलौती सरकार है जो आपको साल की शुरुआत में बता देती है कि देखिए, एक साल बाद हम ये 2000 इंडिकेटर्स में ये आपको डिलीवर करके दिखाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो आप हमसे सवाल पूछिए। इट्स नॉट जस्ट द आइडिया, इट्स ऑल्सो द पीपल बिहाइंड द आइडिया। क्योंकि आइडिया तो मतलब बोलने के लिए सब बोलते हैं कि हम करप्शन फ्री राजनीति करेंगे, स्कूलों के लिए काम करेंगे, कितनी पार्टियों ने किया है। इट इज़ द पीपल एंड द ऑनेस्टी ऑफ द पीपल बिहाइंड दिस आइडिया दैट मेक्स द आइडिया पावरफुल। जसमिन भाई, दिल्ली डायलॉग कमीशन इसका नाम था पहले, अभी नाम कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा बताइए DDC क्या करता है? अभी इसका नाम है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन। और DDC एक हिसाब से दिल्ली सरकार की पॉलिसी थिंक टैंक है। 2015 में जब हमारी पहली बार सरकार आई थी तब ये सोचा गया था कि आम आदमी पार्टी की जो सोच है कि लोगों से जुड़ी हुई है, और जो हमारा मैनिफेस्टो भी उस टाइम बना था कि लोगों के बीच में रह के हमने मैनिफेस्टो बनाया था, तो फिर ये सोच रही थी कि जब हम पॉलिसी बनाने की पोजीशन पे जब आ गए हैं तो ये ना हो कि बस हम बंद कमरे में पॉलिसियाँ बनाएं। और इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन जो डेडिकेट हो लोगों से बातचीत करने के लिए, एक्सपर्ट से, और ये एक आइडिया कि आज दिल्ली और देश भर में जितनी भी हमें तकलीफ़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसको गवर्नेंस के माध्यम से हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके सारे आंसर केवल हम में से नहीं निकलेंगे, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके फिर ये सुझाव निकलेंगे। तो ये डायलॉग का मतलब यही है कि अ कमीशन दैट इज डेडिकेटेड टू यूज डायलॉग एज अ वे टू डेवलप द सिटी, और इसी से उसकी सोच शुरू हुई थी। कहीं और भी ऐसे कुछ हैं, कोई और स्टेट गवर्नमेंट्स? एक्चुअली ये बहुत ही एक यूनिक प्रयोग है, क्योंकि किसी स्टेट लेवल पे स्टेट के प्लानिंग कमीशन होते हैं, वो अगेन दे आर स्टाफ बाई ब्यूरोक्रेट्स, बट ये एक ऐसी बॉडी जिसमें एक हिसाब से मैं तो आउटसाइड द गवर्नमेंट हूँ, और हम सारे जो लीडरशिप है DDC की, CM इज़ द चेयरपर्सन, आई एम द वाइस चेयरपर्सन, वो सरकार के बाहर के लोग हैं। तो एक पैरेलल आप नीति आयोग से कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं कि नीति आयोग एक नेशनल लेवल की थिंक टैंक है, ऑल्दो उसके पर्सपेक्टिव और उसका काम काफ़ी डिफरेंट है,
लेकिन सारे स्टेट्स में से दिल्ली में एक यूनिक इंस्टीट्यूशन। अरे वाह, तो दिल्ली अपनी बहुत सारी विविधताओं के बारे में और यूनिकनेस के बारे में जाना जाता। डीडीसी उसका एक बहुत कोर में मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पर जो हम काम कर रहे हैं एस्टेब्लिश है। किन किन एरियाज़ को सो फार डीडीसी ने टच किया है और अभी आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली आप एक हिसाब से सोच सकते हैं कि जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, और ये सबसे ज़्यादा हमारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सो एक मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को हमें पूरा बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, क्लीन मोबिलिटी की तरफ जाना है। एनवायरनमेंट रिलेटेड कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे हमें दुनिया भर से सीखे, ये नहीं कि चलिए देख लें कि आस पड़ोस के प्रदेश क्या कर रहे हैं, दुनिया भर से सीख के अगर हमें कुछ पॉलिसी लानी है, इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये एक बड़ा योगदान डीडीसी का इसमें रहा है। कुछ एग्जांपल्स हैं कि दिल्ली की जब सोलर पॉलिसी आई थी 2016 में, तब डीडीसी ने इस पर काफ़ी विचार विमर्श करके लोगों से सजेशंस लेके इसको पॉलिसी लाई थी एंड सरकार ने ये लागू करी थी। रिसेंटली हमने दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई है और इस पर भी पूरा 2 साल की एक कंसल्टेशन प्रोसेस रही, स्टेक होल्डर से बातचीत करी, वो डीडीसी ने इसे स्पीयर हेड किया है। अच्छा, और बाकी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इस पर हम काम कर रहे हैं, बस मार्शल्स हैं फॉर वुमेन सेफ्टी पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो हम कर रहे हैं, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन सरकार के कैसे बढ़ सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान एक रोज़गार बाजार की मुहिम आई थी जिसमें हमने चाहा था कि जो लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं ड्यू टू लॉकडाउन, वो एक मिसमैच हो गया था जॉब मार्केट में, तो उसके लिए भी हमें बाहर से कई सारे एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा था और एक हमने ये नया, सो देर आर मैनी सच इनिशिएटिव्स। एंड एक हिसाब से क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है कि दिल्ली एक ग्लोबल सिटी के तौर पे डेवलप हो, और अगर हमें वो करना है तो फिर हमें केवल देश के शहरों या राज्यों से नहीं सीखना पड़ेगा, हमें एक ग्लोबल आउटलुक रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से डीडीसी का मेन योगदान यही रहेगा कि वो एक ग्लोबल नो हाउ दिल्ली में हम लाएँ और उसके आधार पर हम अपनी पॉलिसीज बनाएं। बहुत ही यूनिक आइडिया। और अभी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काफ़ी चर्चा में रही है, बहुत जगह इसकी बात हो रही है, और यही डिस्कोर्स है जो आम आदमी पार्टी ने चेंज किया है। आने वाले टाइम में क्या प्लान है, ऐसा क्या कुछ ऐसा नया लाने वाले हैं सीएम साहब जो जनता में वाहवाही बटोरने वाला है? देखिए, वो तो थोड़ी चीज़ें रहस्य भी रहनी चाहिए। अच्छा। बट देखिए, जो विजन है इस सरकार का और हमारे सीएम का, वो चुनाव के पहले जो मैनिफेस्टो, हम काफ़ी सीरियसली मैनिफेस्टो बनाते हैं, अन्य पार्टियों की तरह नहीं है, आप तो जानते हैं, तो इसमें 10 वादे किए थे। क्योंकि देखिए, लोगों को मोटा मोटी एक एफिशिएंट गवर्नमेंट चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो बेसिक सर्विसेज जो लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के पास ले जाए वो ठीक ठाक प्रोवाइड करे और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोवाइड करे। तो इसमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, जिसमें हमने स्कूल एजुकेशन पर काफ़ी काम कर लिया है, हायर एजुकेशन में अभी भी बहुत समस्याएँ हैं, इसमें रेगुलेटरी इशूज़ हैं, स्किल डेवलपमेंट वाला इशू, तो इन सारी चीज़ों पर बहुत फोकस हो रहा है। हेल्थ केयर में तो आप खुद कई चीज़ें जानते हो, बट दिल्ली ऑलरेडी पिछले 5 साल में एक रेवोल्यूशन सा आया है, प्राइमरी हेल्थ केयर, मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर इवन हमारे जो हॉस्पिटल्स जिसमें देश भर से लोग आते हैं दिल्ली के हॉस्पिटल, नॉट जस्ट कोरोना के पीरियड में, इवन अदरवाइज, और उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम हो रहा है। हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में देश की सारी सिटीज़ को देखते हुए दिल्ली में सबसे ज़्यादा बसें होंगी और उस दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, तो एक क्लीन मोबिलिटी का जो हमारा विजन है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट में भी आएंगे लेकिन बसेस में भी आएंगे, तो ये इन सारी चीज़ों पे, एनवायरनमेंट पे, हम जानते हैं कि पोल्यूशन पे जितना काम इस सरकार ने किया, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट में सीएम इतना सोचते भी होंगे जितना हमने दिल्ली में कर दिखाया है। तो इसमें भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, अभी सम ऑफ देम आर इन प्रोसेस। एक एग्जांपल है कि हमें रियल टाइम हम जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं कि 200 AQI है दिल्ली का, तो उसमें कौन फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपोर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, और उस हिसाब से हम पॉलिसी एक्शन लें। तो ये जो आइडिया है कि हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और डेटा के आधार पे पॉलिसी बनाएंगे और उसे लागू करेंगे, मेरे ख्याल से ये एक पूरा डिफरेंट वे ऑफ आउटलुक है जो आपको दिल्ली में आज देखने को मिल रहा है। ये डिफरेंट हम बोलते हैं, एक्चुअली ओरिजिनल जो आइडिया है गवर्नेंस का, ये वही है, और हम लोगों ने, हमारी शायद राजनीति ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि सिंपल सी चीज़ जिस तरीके से गवर्नेंस होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत
क्लियरली ये मैसेज दे रही है कि गवर्नेंस का जो तरीका है वो कंसल्टेशन है, गवर्नेंस का जो तरीका है वो सिस्टमेटिक चेंज है, आपको एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस लाने पड़ेंगे। पर कहाँ दिक्कत हुई हमारी देश की राजनीति में कि ये सब पीछे छूटता गया और जातिवाद, मतलब पोलराइजेशन, कास्टिज्म, इसने आके हमारे को घेर लिया और अब हम अपने उन मुख्यमंत्रियों से, अपने नेताओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवर करेंगे उन सब मुद्दों पे जिस पे आप चाहते हैं कि डिलीवरी हो। हम सब चाहते हैं डिलीवरी हो। नहीं, आप जैसा कहते हैं, आई थिंक इसमें जो हम कर रहे हैं, हम नहीं समझते कि कोई रॉकेट साइंस है। दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स शुड हैव बीन। और आप जैसे कह रहे हैं, सबसे बड़ी और ये सोचने और समझने वाली बात है कि दिक्कत रह गई नीयत में। हमने डेमोक्रेसी तो ला दी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट भी दे दिया, उनको चंदा भी दे दिया, लेकिन ये कभी अपेक्षा नहीं रखी कि ये साफ राजनीति करे और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स फाइनली उसके थ्रू लोगों को टिकट भी दे और गवर्नेंस में भी वो रिफ्लेक्ट हो। और आम आदमी पार्टी का मैं, और इसी के लिए हम सारे शुरुआत से जो प्रभावित हुए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, एक सोच यही रही कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ द थिंग दैट विल गिव दैट ट्रांसफॉर्मेशन जो हम देश भर में सोच रहे हैं। और कि इतने दशकों से छोटी छोटी चीज़ें हमारे देश में क्यों नहीं सुधरी हैं, सरकारी स्कूल की हालत क्यों नहीं सुधर रही, अस्पताल की हालत क्यों नहीं सुधर रही, बसें अभी भी क्यों नहीं लगी हैं, या पानी अब तक क्यों नहीं पहुंचा घर घर। मतलब आपको तो शायद पता होगा, लेकिन ये लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो केवल 60% घरों में ही नल से पानी आ रहा था। दिल्ली में, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, आप समझिए कि देश भर के शहरों की या गाँव की क्या हालत होगी, और कभी इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है। तो ये जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है कि एट द रूट ऑफ प्रॉब्लम, जड़ से हमने प्रॉब्लम को उखाड़ने की कोशिश करी है, साफ राजनीति लाई है, क्लीन मनी से, क्लीन फंडिंग से ये हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। और आम लोग, जो भी आप देखिए आम आदमी पार्टी के लोग कौन हैं, जो लीडरशिप है, सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अरविंद जी IRS ऑफिसर हुआ करते थे, मनीष जी जर्नलिस्ट हुआ करते थे, आर्किटेक्ट कोई थे, कोई छोटा सा बिजनेसमैन था, हम जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते थे, सौरभ भारद्वाज है, आतिशी टीचर थी। तो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे लोग भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और तहलका मचा सकते हैं। और तहलका यही है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ गए। और आंसर बहुत साफ है कि जहाँ ऐसे ऐसे लोग आप पॉलिटिक्स में उनको सत्ता दे दो, पावर दे दो, चमत्कार ऑटोमेटिकली होना ही होना है। तो इसे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस हम कह सकते हैं। आपने आउटकम बेस्ड बजट बनाया था, बड़ा यूनिक था। जब मैं आपको देखता था उस पर काम करते हुए, मैं सोचता था बहुत ही बेसिक सी बात थी कि आउटकम बेस्ड बात करना हमारे बजट्स के नसीब में इतना भी नहीं है। देश की जनता को हम बजट्स के नाम पे करोड़ों रुपए की रकम सुनाते हैं, बड़े बड़े नंबर सुनाते हैं जो उन्हें समझ नहीं आता, ये नहीं बताते कि उन्होंने डिलीवर क्या किया। ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब सरकार ने डिसीजन लिया कि हमें आउटकम बेस्ड बजट बनाना है? देखिए, ये हमारे लिए, आई डोंट थिंक किसी और सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आसान डिसीजन होता। हमारे लिए ऑब्वियस था जब ये आइडिया डिस्कस हुआ, हमारे डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी से डिस्कस हुआ, मुख्यमंत्री जी से डिस्कस हुआ, तो इसमें कहीं दो राय रही नहीं थी। मतलब शुरुआत से ये था कि हम सरकार में क्यों आए, क्योंकि हम लोगों को गुड्स ऑफ गवर्नेंस डिलीवर कर सकें। अगर हमने टारगेट रखा है कि इतने मोहल्ला क्लिनिक्स इस साल बने हैं तो हम डिलीवर करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इतनी स्कूलों की मरम्मत होनी है तो इतनी स्कूलों की मरम्मत होनी चाहिए। और ये डेटा, अब गवर्नमेंट इतना है कि दिल्ली सरकार का 60,000 करोड़ बजट है, इसमें कौन से पाई का खर्चा कहाँ पे हो रहा है, उससे क्या नतीजा निकल रहा है, वो हमारे लिए खुद मुश्किल हो रहा था कि हम उसका ट्रैक रख सकें। तो आउटकम बजट का यही आइडिया था कि हमने पूरे सरकार के बजट को करीबन 2,500 इंडिकेटर्स में सिमट दिया, और करीबन 80% हमारा बजट इसमें आ जाता है। और हर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने क्लियर इंडिकेटर डिफाइन किया। और देखिए, जो कॉरपोरेट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो तो समझते हैं कि KPI क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की रिजल्ट एरियाज, KRAs क्या होता है, उसी के आधार पे आपकी अप्रेजल होती है। लोगों को जान के और मुझे भी जान के ताजुब हुआ था जब मैं शुरू में गवर्नमेंट में आया था, यहाँ पे कोई अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको साल के अंत में क्या डिलीवर करना है वो कभी तय ही नहीं होता है। तय नहीं होता। तो एक हिसाब से काफ़ी अमेजिंग था कि सिस्टम चल रहा है और इसके बावजूद कि ऑनेस्ट लोग आए पॉलिटिक्स में, मंत्री बने, उनको भी डिलीवरी
ग्राउंड पे करने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तो आउटकम बजट एक हिसाब से एम्पावरमेंट टूल है। एक तो जो मंत्री हैं और चुनी हुई सरकार हैं कि वो अधिकारियों को अकाउंटेबल बना सके, दूसरे लोगों को, एट द एंड ऑफ द डे लोगों को आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है कि हमारे काम करवा दीजिए, यही चाहिए लोगों को। तो एक हिसाब से हम खुद जवाबदेह होना चाहते हैं लोगों की तरफ कि देखिए आज अगर हमने 69,000 करोड़ का बजट पास किया है तो इसका क्या मतलब है आपकी ज़िंदगी में, इसका मतलब है हेल्थ में क्या क्या काम होगा, एजुकेशन में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में क्या काम होगा, पानी में क्या काम होगा। ये सारी चीज़ें आज दिल्ली सरकार केवल इकलौती सरकार है जो आपको साल की शुरुआत में बता देती है कि देखिए एक साल बाद हम ये 2000 इंडिकेटर्स में ये आपको डिलीवर करके दिखाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो आप हमसे सवाल पूछिए। तो आप जनता को भी एजुकेट कर रहे हैं साथ साथ? नहीं बिल्कुल, और यही तो आई थिंक एक जो षड्यंत्र जैसा रहा है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का कि लोगों को बस दो तीन चीज़ें बोल के भटकाते रहो, साल भर हिंदू मुसलमान करते रहो और कभी गवर्नेंस की बातें मत करो, और बात करोगे तो लोग सवाल पूछेंगे। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो एक सपना है कि चलिए हम आगे बढ़े ना बढ़े, कितने सालों में और पूरे देश भर में जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन एक गवर्नेंस का मॉडल, एक बेंचमार्क क्रिएट करें जो ऑटोमेटिकली लोगों बाकी सारी पार्टीज पे, बाकी सारी गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करे कि अगर सरकार होनी चाहिए तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए तो ऐसे स्कूल होने चाहिए, बजट प्रस्तुत जब करते हो तो ऐसे बजट प्रस्तुत होना चाहिए। और ये आप देख भी रहे हो साल दर साल, जैसे आउटकम बजट का हमने अभी बात करी, मैं देख रहा था ये साल झारखंड सरकार ने पहली बार डिसाइड किया कि हम आउटकम बजट लाएंगे। अच्छा, हाँ, अरे गजब, दिस ईयर देव डिसाइडेड। तो ये एक अच्छा प्रयोग रहा है और धीरे धीरे हम यही चाहते हैं कि हमारी जो सोच है, स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, बजट है, एनवायरमेंट है, वो प्रभावित करे बाकी सारे स्टेट्स को, और तभी जाके देश की तरक्की होगी। मतलब कितना फैसिनेटिंग लगता है मेरे को ये सोचते हुए कि मोहल्ला क्लिनिक का इजाद दिल्ली से हुआ था और आज 9 राज्यों ने मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। ये हमें सुनने में सोचने में बड़ी छोटी बात लगती है, नहीं नहीं, पर आप बाहर खड़े होकर देखिए तो कितनी लाजवाब बात है ये। नहीं, दिस इज फैसिनेटिंग। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रेसिडेंस है। आप ये सोचो कि 70 साल में ऐसा कौन सा रिफॉर्म है जो एक राज्य की सरकार लाई। दिल्ली तो बहुत छोटा राज्य हुआ, बहुत छोटा राज्य। आप मान के चलो क्या हुआ है जो महाराष्ट्र में हुआ है या तमिलनाडु में हुआ है जो देश भर में फिर फैला है। आपको चुनिंदा कुछ चीजें, जैसे तमिलनाडु की एक मिड डे मील स्कीम थी, वो मतलब अपने 70 साल के इतिहास में 3 या 4 चीजें ऐसी होगी जो एज अ इट हैज कॉट फायर एज यू से। और आम आदमी पार्टी के केवल 5 साल में अगर आप चीजें देखें, स्कूल की, हमारे जो काम की प्रशंसा, अभी असम में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पे राहुल गांधी गए थे यूथ से इंटरेक्ट करने के लिए, वहाँ बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि आप हमारी स्कूलों की जो पूरी व्यवस्था है वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी की जैसे क्यों नहीं कर सकते। क्या जबरदस्त एम्पावरमेंट है। कर्नाटका के सदन में, असेंबली में ये डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे किसी और पार्टी के MLA ने बोला कि मैं दिल्ली में गया था, सरकारी स्कूल में गया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो आप ये सोचिए कि 5 साल के अंदर जो एक क्रांति आई है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंट। अरे मुझे याद आ गया आपसे बात करते करते कि अभी पिछले साल भर पहले, 2 साल भर पहले नेपाल के 6-7 सांसद आए थे, उनको मैंने दिल्ली सरकार के स्कूल्स और मोहल्ला क्लिनिक विजिट कराए थे। कर्नाटक के एक मंत्री को मैं विजिट करा चुका हूँ, पुडुचेरी के एक मंत्री आए थे, US की फर्स्ट लेडी आ गई है, फर्स्ट लेडी आ गई दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए। मजाक बात है, ये तो कभी नहीं हुआ दिल्ली, कभी नहीं हुआ। देश जब से आज़ाद हुआ कितने US के प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडीज आए होंगे, इसमें से कितनी बार कोई भी सरकारी स्कूल देखने गया, मेरे ख्याल से पूरे इतिहास में पहली बार हुआ होगा। क्या गजब है, आइए बैठते। मैं आपसे मिलने आ रहा था तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया, मैं सोच रहा था कि कहाँ तमिलनाडु और साउथ की राजनीति में हम बड़े बड़े कटआउट्स, क्योंकि वहाँ पे नायक राजनेता बनते हैं बहुत अक्सर, पर्सनैलिटी का चलन है। कहाँ UP में आप जाएं तो उनकी राजनीति अयोध्या केंद्रित है, और कहाँ दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते ये स्कूलों तक आ जाती है। कैसा अनुभव है? देखिए ये बहुत सारी चीज़ें पहली बार देश में हो रही है आम आदमी पार्टी के आने के बाद। और पिछला जो चुनाव रहा था, कि चलिए पहला चुनाव तो लोग बोलते हैं कि तुक्का होगा, यू नो, जीत गए होंगे, लेकिन जब दूसरी बार हम जीते
और इसलिए जीते क्योंकि हमने कहा कि काम की राजनीति के आधार पर हम लड़ेंगे चुनाव, और अगर लोगों को लगता है कि हमने काम किया है तब हमें वोट दे, वरना वोट ना दे। तो मतलब आज मैं ये खुद सोचता हूँ कि देश के सामने आज बहुत ही एक कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन है, जो 5 साल पहले जो आम आदमी पार्टी का बर्थ हुआ था, आज से ज़्यादा रेलेवेंट आम आदमी पार्टी आज है, क्योंकि ओवर टाइम देश की सारी राजनीति एक तरफ जा रही है कि केवल आप विचारधाराओं में बात कर रहे हैं, लोगों को बांटने वाली चीज़ें कर रहे हैं, या फिर कल्ट पर्सनालिटी की भी मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आप लोगों के मुद्दे पे बात कर ही नहीं पाते हो। मुझे इसलिए लगता है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है वो आई होप ओवर द ईयर्स टू कम दिस इज़ वॉट मतलब लोग आज बात कर भी रहे हैं। आप देखो बाकी सारे राज्यों में आम आदमी पार्टी भी जो जा रही है, हम लोगों से सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि केवल हम अकेले हैं जो उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में बात करता है। गरीब आदमी होता है तो वो क्या सोचता है, चलिए आपने मंदिर की बात कर ली, आपने मस्जिद के खिलाफ बात कर ली, आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन इवेंचुअली तो उसे अपने बच्चे को पढ़ाने से मतलब है, वो भी चाहता है कि बच्चा पढ़ ले, तरक्की कर ले। और अगर वो देख रहा है कि केवल एक ही पार्टी है जो देश को मतलब केवल एक शहर में नहीं एक देश को एक विज़न दे रहा है, क्योंकि आज अगर हम 25% अपना खर्च कर रहे हैं बजट में तो वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमारी विज़न क्या है देश के लिए। हमारे लिए ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल नहीं है कि चलो कुछ स्कूल चमका दो, बच्चों की पढ़ाई बेहतर कर दो, हमारे लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ। लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, तो मेरे लिए तो यही है कि देश के लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ दे, और हर एक चीज़ जो उसको एक दुनिया में कोई भी एक सिटीज़न हो, है ना, ग्लोबल जब हम कंट्रीज़ की बात करते हैं, और उनके सिटीज़न की एक लाइफ देख लो और हमारे सिटीज़न की एवरेज सिटीज़न की लाइफ देख लो, आपको दुख वहीं पे समझ आ जाएगा कि हमने 70 साल में सारा कुछ कर दिया, लोगों को सुविधाएं नहीं दी। और ये आइडियोलॉजी एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर नहीं होती है कि देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाए और आम आदमी को एक बेहतर जीवन दे सके, तो बाकी सारे आइडियोलॉजी का कोई मायना नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत बड़ी बात है। टीवी डिबेट्स में आपको सुनना शुरू किया हमने आजकल, कितनी मुश्किल होती है और कैसे झेलते हो? मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ भी बोलने के लिए फ्रेम में बैठे हैं लोग, कैसे कभी कभी तनाव नहीं होता? होता है, एक एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि नेसेसिटी है कि आपको टीवी के माध्यम से अपने सोच विचार पार्टी का जो नज़रिया है वो लोगों तक पहुंचाना होता है। लेकिन इतने कॉस्टिक और इतने टॉक्सिक क्लाइमेट में जहाँ पे एंकर को भी पड़ी नहीं है कि मुद्दे पे बात हो, बाकी सारे जो प्रवक्ता हैं वो चाहते हैं क्योंकि उनको तो स्कूल और अस्पताल की राजनीति करनी नहीं आती, तो वो कभी बात ही नहीं कर पाते इनके ऊपर। तो मैं देख रहा था जब हमारा अभी देशभक्ति बजट हमने लॉन्च किया था और हमने कहा कि हमारे लिए देशभक्ति का क्या मायना है, तो इस पर भी लोग बात नहीं करना चाह रहे थे, वो भी एक तरफा ले जा रहे थे। और लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, मुझे जो होप है आज कि रीजनल मीडिया से ज़्यादा होप है। जब आम आदमी पार्टी की अभी गुजरात में सीट आई थी और सूरत में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था, तो मैं गुजराती डिबेट पे गया था, गुजराती में भी बात करी थी, इतना सुलझा हुआ डिबेट था, एंकर एक वन बाय वन। मैं कह रहा हूँ कि नेशनल चैनल्स पे भी एक दो हैं ऐसे चैनल जो समझते हैं कि उनका रोल है कि सारी विचारधाराओं को लोगों तक पहुँचाना, ना कि अपना एक एजेंडा रन करना। एब्सोल्युटली। और रीजनल मीडिया वो एक हिसाब से एक रोल प्ले कर रही है, तो यही है कि एक होप है कि कभी ना कभी चीज़ें सुधरेगी। बट आज की माहौल में मीडिया इज़ फीलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग टाइम, मुझे ये कहने में कोई ये नहीं है, हर्ज नहीं है। और इसका आप देख भी रहे हो कि आज जो कुछ भी काम हो रहा है देश भर में, मतलब एक डेमोक्रेसी को वीकन करने का काम हो रहा है, उसकी गहराई, उसकी जो इम्पैक्ट होगा लोगों पर, वो कितना डीप पहुँच रहा है लोगों तक, वो कहना मुश्किल है क्योंकि मीडिया अपना रोल नहीं प्ले कर रहा। सरकार में कहीं ना कहीं हम बहुत तवज्जो देते हैं आंकड़ों को, तो हमारे स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक आंकड़ा है, हमारे दिन में पर डॉक्टर कितनी ओपीडीज देखता है वो एक आंकड़ा है, हर चीज़ एक आंकड़ा बन के रह जाती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव तरीके से मैंने सुनी नहीं कभी बात होते हुए,
सिर्फ यहाँ पर आकर अब मैं जब सरकार का हिस्सा हूँ, जब मैं रोज़ उठते बैठते बात कर रहा हूँ, तो हम उन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं जो हम लोग तैयार कर पा रहे हैं अच्छी सुविधाएं देने के बाद, जिन परिवारों में बच्चों की एजुकेशन अच्छी होने के बाद बदलाव आए हैं, कैसे पेरेंटिंग चेंज हुई है, कैसे उनकी लाइफ में उम्मीद जगी है कि बच्चा कुछ आगे बढ़ के कर सकता है, कैसे एक सस्ता इलाज होने के बाद उनके पैसे बचने लगे हैं और वो पैसा जो कभी इलाज में खर्च होता था आज उसको वो बच्चे की पढ़ाई पे और दूसरी चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, उन आगे बढ़ने के रास्ते निकाल सकते हैं, कैसा लगता है सब देखते हुए? बहुत खुशी होती है शालीन भाई। ये एक जो मतलब यही है कि आप जो सपना लेके चले थे कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, फाइनली आपको कब पता चलेगा कि व्यवस्था कब परिवर्तन, मतलब ये तो एक अनएंडिंग गोल है, बट जब आप किसी से बात करते हो और उनके जीवन में जब बदलाव आया है क्योंकि आपकी सरकार ने कुछ काम किए हैं, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, मतलब उसे मतलब वोट मिलते हैं, चुनाव जीते हैं, उसे तो खुशी होती है, बट ये जब पर्सनल स्टोरीज आती है सामने तब लगता है कि नहीं, सही दिशा में हम कर रहे हैं। और यही जो आपका एक बिलीफ है कि इस देश की राजनीति को साफ कर लो, चमत्कार ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो कहीं पे आपको सच्चा मतलब लगता है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनने में आई थी कि गवर्नमेंट स्कूल पेरेंट ने बातचीत हो रही थी और कहा था कि आपके लिए क्या मायने है, सरकार कह रही है इतना काम किया, इतना खर्चा किया, तो उसने एक स्टेटमेंट कहा कि गरीब परिवार के बच्चों को पहले सपना देखने की इजाज़त भी नहीं थी, पिछले 5 साल में जो काम हुआ है आज हमने सपने देखने शुरू कर दिए हमारे बच्चों के लिए। क्या बात, मैं भी सोच सकता हूँ कि मेरा बच्चा वकील बन सकता है, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, पहले हम सोच ही नहीं सकते थे कि चलो 10-12वीं तक पढ़े फिर काम धंधा जो है माँ बाप के उसमें लग जाएगा। और मतलब सर्वे भी आया था जिसमें कहा 95% पेरेंट्स हैव स्ट्रॉन्गली अप्रूव्ड कि दिल्ली में जो काम हुआ है वो बहुत इम्पैक्टफुल है और उसे जारी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर की आपने बात करी, जिसके घर पे पानी नहीं आया है मतलब इतने सालों से, और आज कितनी हज़ारों कॉलोनीज है जहाँ पे आज पानी आया है, लोग जो 3-3, 4-4 घंटे टैंकर के सामने खड़े रहते थे, टैंकर माफिया जो ऑपरेट करता था, वो सारा ख़त्म हो गया है। तो वो जब आप तक उनसे बात नहीं करोगे तो ये स्टोरीज नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात है। आईआईटी से कनेक्शन रहा है आपका भी हमारे सीएम साहब की तरह, कैसे पहुँचे आईआईटी तक? जब मैं ये सोचता हूँ तो ऑलमोस्ट लगता है कि एक मेरे ख्याल से पास्ट लाइफ रही है क्योंकि उसमें और अब में काफ़ी अंतर आ गया है। बट देखिए, मेरा जो बचपन था एक बहुत ही छोटे टाउन में बीता था, सिलवासा कैपिटल है दादरा नगर हवेली का, गुजरात यूनियन टेरिटरी, नहीं इट्स अ यूनियन टेरिटरी, हाँ गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। और मेरे फादर एक छोटे से बिजनेसमैन थे, मदर हाउसवाइफ थी और एक मेरा एल्डर ब्रदर था, बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ फैमिली। हम मैं 12वीं तक एक हमारा 1 BHK हाउस था, वहाँ पे पूरा बचपन बीता। और पेरेंट्स का यही था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों बॉम्बे से हैं, उनको थोड़ा ये था कि नहीं हायर एजुकेशन और IITs वगैरह या तो कलेक्टर बनना है या तो फिर बाकी सारी चीज़ें। तो मेरे फादर को पहले बहुत था कि कलेक्टर IAS वगैरह पे, तो लेकिन मुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, नेचुरल एक इंक्लिनेशन था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह में। तो इट वॉज़ लार्जली माई पेरेंट्स जिन्होंने ये मुझे विजन दिलाया कि नहीं IIT के लिए आप एस्पायर कर सकते हो। और लेकिन चैलेंज ये रही थी कि सिलवासा जैसे छोटे टाउन में जहाँ पे केवल 2 स्कूलें थी, वहाँ पे अधिकतर मेरे टीचर्स को नहीं पता था IIT क्या होती थी, और IIT की पढ़ाई 11वीं 12वीं में ही होती है। मैंने 1 स्टैंडर्ड से लेके 12वीं स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में सिलवासा में पढ़ाई करी थी। तो चैलेंज था कि कैसे करेंगे, और मैंने तब पता किया था कि और कौन है जिससे मैं गाइडेंस ले सकूं, तो पता चला पूरे दादरा नगर हवेली में एटलीस्ट इन द लास्ट 10-15 ईयर्स जहाँ पे मैं था कोई भी IIT ने अपीयर किया या पास नहीं किया था। अच्छा, हाँ तब ये था कि मेरे एल्डर ब्रदर का काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला, उसने पता किया और बम्बई में एक इंस्टीट्यूट था और मुझे वहाँ पे एडमिशन कराया। तो हर संडे मैं ट्रेन पकड़ता था 3-3 घंटे की, सिलवासा से क्लोज एक वापी रेलवे स्टेशन है, 3 घंटे लगते थे बम्बई पहुँचने। तो ये दिस वॉज वेन आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, तो
तीन घंटे की वन वे जर्नी होती थी, दो बजे की क्लास थी, दो से छः, चार साढ़े चार घंटे, और रात को 11 बजे था। सुबह मैं 6 बजे उठता था और रात को 11 बजे वापस सिलवासा अपने घर पहुंचता था। तो दो साल उस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी, तैयारी करी और अटेम्प्ट दिया 12वीं में, क्लियर किया था IIT, बट रैंक इतना नहीं आया था कि जो मुझे अपनी चॉइस की स्ट्रीम मिल सके मेन IIT में, वो मिल सके। तो एक साल फिर मैंने वापस ड्रॉप किया। अच्छा। और वापस पढ़ाई की और फिर जाके अच्छे नतीजे आए, तो फिर मैंने IIT मद्रास 2000। बैडमिंटन वगैरह कुछ खेलने लगे थे? हाँ, बैडमिंटन इज़ मतलब मैं पूरे आई थिंक बचपन से स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ और बैडमिंटन सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। तो वहाँ पे हमारे फैसिलिटीज थी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की, तो खेलना शुरू किया। खेलते खेलते आईड वहाँ पे परफॉर्म भी अच्छा किया, छोटा सा है UT, बट वहाँ पे अंडर 16 चैम्पियनशिप वगैरह जीता था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए IIT की, स्पेशली जब आप एक कोने में रह के, देश के कोने में रह के IIT की पढ़ाई कर रहे हो, जिस और आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है जो पढ़ाई कर रहा है, एक दूसरा माहौल होता है कि आप दिल्ली में हो और आपके साथ पूरा एक बैच है और सब साथ में लगे हुए हो, तो फिर आप सोचते हो कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर रखी है, बाकी सारे मज़े कर रहे हैं मेरे जो बैचमेट्स हैं वगैरह। तो खास करके जो एक साल जो मैंने ड्रॉप लिया था 12वीं के बाद और केवल घर बैठ के पढ़ाई करी थी, कभी कभी बॉम्बे क्लासेस के लिए जाता था, तब सोचा था कि अच्छा, तब बैडमिंटन में बहुत खेल रहा था, थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी शुरू कर दिया था, मुझे एक नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी बैडमिंटन के लिए, तब ये सोचने में आया कि ये सारा छोड़ देते हैं, बैडमिंटन प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं। और ये सोच इसलिए भी आया क्योंकि तब मुझे याद है प्रकाश पादुकोण ने एकेडमी खोली थी बैंगलोर में। ओ। तो मुझे तो पता था कि माँ बाप से तो कभी ये परमिशन मिलेगी नहीं, तो मन ही मन में मैं एक प्लान भी बना रहा था कि एक ट्रेन की टिकट काटूंगा बैंगलोर की और चिट्ठी लिख के घर पे भाग जाऊँगा और बोलूँगा अब मैं जा रहा हूँ एक बैडमिंटन प्लेयर बनने, मुझे कोई नहीं रोकना। अच्छा। फिर जब सुबह उठा तो मैंने सोचा नहीं, चलो पहले यही कर लेते हैं। तो फिर फाइनली काफ़ी गाइडेंस मिली मुझे मेरे पेरेंट्स की और ख़ास करके मेरे जो एल्डर ब्रदर है, वो भी एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो भी US बेस्ड हैं, बट आई थिंक वो फैमिली सपोर्ट ही था कि सिलवासा जैसे एक देश के कोने में मैंने वो एक सपना देखा और फाइनली IIT तक पहुँचा। क्या करते हैं बड़े भैया? बड़े भैया ने भी इंजीनियरिंग करी है और क्वालकॉम एक बड़ी IT कंपनी है US की, वहाँ पे वो नौकरी करते हैं कैलिफोर्निया में। कहीं ना कहीं ये सब एग्जांपल्स जो हैं IIT के, आपके 1BHK रूम से चलता हुआ स्ट्रगल आज यहाँ तक पहुँचा है, कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है आने वाली ज़िंदगियों को चेंज करने का, हौसला देता? देखिए मतलब मेरा जो एक पर्सनल लाइफ की जर्नी रही है कि आपको केवल आपका एक सपना है जो सीमा रख सकता है। आप यू हैव द पावर इन दिस कंट्री टू ड्रीम ऑफ एनीथिंग, एंड मेरे जो लाइफ के हर मोड़ पे मैंने यही देखा है कि अगर आपने एक अपने लिए टारगेट रखा है या ड्रीम किया है अपने लिए, अपने देश के लिए, तो बदलाव आपसे ही शुरू होना है। मतलब कई लोग होते हैं कि शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, और ये मैंने एटलीस्ट अपने यहाँ से सीखा और इसलिए मुझे ये प्रेरणा देता है कि आम आदमी पार्टी आज जो करने निकली है कोई छोटी बात नहीं है। इतने बड़े देश की राजनीति, इतने मतलब 100-100 साल पुरानी सारी पार्टियाँ हैं और एक छोटी सी पार्टी देश के एक छोटे से कोने में शुरुआत कर रही है और हम कह रहे हैं देश की राजनीति बदलेंगे। लेकिन अगर आप दुनिया या विश्व भर का इतिहास देखें, शुरुआत ऐसी होती है। और मुझे याद है रंगदे बसंती मेरे लिए एक वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स रही है, तो उसमें एक डायलॉग मुझे हमेशा याद तब से रहा था कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक ये जो चीज़ें देखते हैं उसे नाखुश होते हैं और बर्दाश्त करते हैं, और दूसरे जो चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो यही आई थिंक मेरे लिए और मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ रही हैं कि क्योंकि अगर आपने देश बदल सकता है उस पर अगर आपने विश्वास करना बंद कर दिया तो फिर कुछ है ही नहीं। और सारे लोग जो आम आदमी पार्टी की सोच से जुड़े हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो एक्टिवली फुल टाइम लगे हैं
इतने सालों से, बट आम आदमी पार्टी देश भर का एक सपना है। देश के आज भी कितने सारे सपोर्टर्स हैं जो मतलब तमिलनाडु में हैं, बेंगलोर में हैं, जहाँ पे आम आदमी पार्टी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन वो इस सोच से जुड़े हुए हैं कि नहीं, ऐसे ही देश बदलेगा और आप लगे रहो। एंड आई थिंक दिस इज़ जो हमारा नारा भी था, लगे रहो केजरीवाल, वो यही है कि आपने जो शुरुआत करी है वो केवल दिल्ली के लिए नहीं है, इससे पूरे देश को उम्मीद है। कॉरपोरेट में आप काम कर रहे थे, उसके बाद आप जनागृह में आए। आज के युवा के लिए बहुत चैलेंजिंग है ये सोचना कि लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर एक संस्था के लिए काम करना या एक जन आंदोलन में हिस्सा लेना, परिवारों की अपेक्षाएं होती हैं और आपकी अपनी बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं जिनको लेके आप IIT तक पहुंचे, एक बड़ा सफ़र तय किया, आप उन बड़ी मीनारों को देखते हो, कॉरपोरेट हाउसेस को देखते हो, आपके बैच में जो तमन्नाएं पल रही होती हैं कि उस कंपनी तक काम करना है, उस कंपनी में जाना है, उस कंपनी में काम करना है, उस सबको लात मार के आप अपने देश के लिए वो त्याग कर देते हो, कैसा सफ़र होता है ये? अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से मैं आया था, तो ऑब्वियसली जब IIT मैंने पढ़ाई ख़त्म करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था IIT मद्रास से, तो मुझे भी यही था कि मेरी भी यही सोच थी कि एक अच्छी नौकरी लग जाए। ऑब्वियसली सब यही चाहते हैं कि एक बार आपने कॉलेज कर लिया, और फैमिली की भी यही अपेक्षा थी, और मुझे तब इतना ये नहीं था कि यस, हम सब चाहते हैं कि देश का अच्छा हो, बट एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन जो कॉलेज से निकला है वो कैसे देश को बदलेगा, मतलब उस सोच में मैं था। तो नौकरी करना शुरू करी, एंड अच्छी खासी नौकरी थी मेरे हिसाब से, करीबन 1 लाख कमाता था मैं तब। लेकिन जल्द ये तब पहली बार मैंने एक हिसाब से देश भर ट्रैवल करना शुरू किया, देश के बाहर भी मैंने ट्रैवल किया मेरी कंपनी के लिए, और तब देखा कि देश का हाल क्या है, और एक कंपैरिजन हुआ माइंड में, एक कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए आज हमारे लिए एक ये भी प्रॉब्लम है कि कई सारे लोग बहुत ही एक शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग में जीते हैं, मतलब रिच की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, इवन मिडिल क्लास है ना, कि आप अपने करियर पे फोकस हो, पढ़ाई पे फोकस हो, कॉलेज तक पहुँच गए, जब कॉलेज से बाहर निकलते हो और नौकरी करना शुरू करते हो तब आप रियल लाइफ से रूबरू होते हो, और तब मेरे लिए ये काफ़ी कठिन था कि ये देखना कि देश की हालत ऐसी है, एंड एक हम आर्टिफिशियल कॉरपोरेट टारगेट्स कुछ मतलब उस पर मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे लगे हैं, PPT बना रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, वो मेरे लिए 3 साल डिफाइनिंग थे जब मैंने मेरी पहली नौकरी ज्वाइन करी थी 2004 से लेके 7 के बीच में, तब जो इंटरनल एक जो बदलाव आया कि नहीं मुझे इस दिशा में काम करना है वो तब हुआ, और यू नो ये सोच मेरे लिए सबसे ज़्यादा रही कि देखिए आज की तारीख में अगर ऐसा नहीं था कि मतलब मेरी फैमिली वॉज सेल्फ सफिशिएंट एक हिसाब से, आई हैड एन एल्डर ब्रदर जो सपोर्ट भी कर रहा था पेरेंट्स को, और एक IITian होने के बावजूद अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मेरे करियर का क्या, मुझे कल नौकरी नहीं मिली, मिली नहीं मिली, तो अगर ये सारी सोच में ही उलझा रहा तो फिर कोई भी कभी ये ज़रूरत नहीं करेगा एज अ यंग पर्सन कि इस लाइन में आए या कुछ करने की कोशिश करें। मुझे ये नहीं पता था कि आज मैं आम आदमी पार्टी में या फिर इस पद पे वगैरह होऊंगा। तब ये था कि मुझे एक NGO ज्वाइन करनी थी बैंगलोर में, जनाग्रह नाम की, और उन्होंने कहा था कि हमारा बजट कम है, हम आपको 20,000 रुपये दे सकते हैं। अच्छा। और मुझे वहाँ पे शिफ्ट होना था, रेंट पे एक मकान मतलब एक हाउस फ्लैट लेना था, रहना करना खाना पीना, तो मैंने बस मेरे पेरेंट्स को इतना कहा था कि देखिए मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना निकाल दूँगा, मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगूँगा, बट इसके लिए मुझे इजाज़त चाहिए दैट अगर आज मैं ये नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता लाइफ में मैं कभी फिर ऐसा एक डिसीजन ले पाऊँगा। तो आई थिंक ये एक इंटरनल जर्नी होती है हर एक जने की, कि मतलब आप चाहते हो देश बदले, और आप अगर देख मतलब मैनी ऑफ अस यू नो इवेंचुअली वी कैन मेक स्मॉल सेक्रीफाइसेस एट सम स्टेज, मेरे लिए वो मोमेंट ऑफ रेकनिंग था कि और आई थिंक कि क्योंकि 2-3 साल मैंने कॉरपोरेट जीवन बिताया तो ये एक है कि मैंने वो एक जीवन देख लिया, और मुझे लगा कि नहीं देखिए रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतें बहुत लिमिटेड होती है, क्या खाओगे आप? 3 बार खाना ही तो खाओगे, एक बार मूवी देखने जाओगे, तो उसके लिए आपको वाकई में इतने पैसे नहीं चाहिए।
तो फिर आप वो करो जो आप आपको चाहते हैं अंदर दिल में। एंड ये एक सोच रही थी जो आज भी मेरे साथ है कि क्योंकि ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, कुछ फ्यू लाख रुपीस होंगे शायद फुल सेविंग्स में, लेकिन ये है कि स्टेज लाइफ के हर स्टेज में एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर बेसिक नेसेसिटीज़, इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज दैट आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे आप खुद मोटिवेटेड रहें और कहीं ना कहीं आपने जो सीखा है, क्योंकि शुरुआत से सोसाइटी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि आज जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, कई लोगों ने मेंटरिंग दी है, IIT में पढ़ाई की, तो देश ने खर्चा दिया है, तो इवेंचुअली देर इज़ एन ऑब्लिगेशन टू कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। एब्सोल्यूट। तो वो एक सोच रही थी। तो 2007 में आप जनाग्रह से जुड़े? जी। उसके बाद 2007 में मैं जनाग्रह से जुड़ा एंड मेरे लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल फेज था। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे जिस किसी ने पॉलिटिकल तो छोड़ दीजिए, NGO में भी वॉलंटियरिंग नहीं करी थी। तो एक एकदम एवरेज बिजनेस गुजराती फैमिली थी, तो बिजनेस ही ज़्यादा रहा था। तो ये मैंने शुरुआत इसलिए करी थी वहाँ पे क्योंकि उनकी जो सोच थी कि हमें ये नहीं कि हमें 10 स्कूल पे काम करना है और सुधारना है, उनकी ये सोच थी कि अगर सिटीज़ और अर्बन गवर्नेंस पे ये लोग काम करते थे कि अगर हमें शहरों की हालत बदलनी है तो पॉलिसीज़ जो हैं, पूरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क हमें बदलना है। और ये मेरे लिए काफ़ी कैची था क्योंकि देखिए हम सारे देखते हैं, और एक जो ये क्रिटिसिज्म होता है कि बहुत सारी मतलब बहुत देश बहुत ख़राब है और इसको कैसे बदलेंगे, तो मेरे लिए शुरुआत से ये क्लियर था कि पॉलिटिक्स से ही, और पॉलिटिक्स और पॉलिसी, पॉलिटिक्स डिफाइंस योर पॉलिसी, तो जब तक आप पॉलिसी को नहीं बदलोगे, व्यवस्था परिवर्तन मतलब वही हुआ, रिफॉर्म हुआ, पूरे एक स्ट्रक्चर का, गवर्नेंस स्ट्रक्चर का आप रिफॉर्म करना चाहते हो, जब तक वहाँ आप नहीं अटैक करोगे तो चीज़ें बहुत धीरे धीरे मूव होगी। और वहाँ पे मैंने शुरुआत करी, काफ़ी कुछ समझा सीखा, और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक नया कैंपेन लॉन्च करने की। काफ़ी वो पॉपुलर भी हो गया था उन दिनों में, जागोरे वोटिंग कैंपेन। तो 2009 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे जिसमें UPA 2 की सरकार बनी थी, उस टाइम सो एज पार्ट ऑफ जनाग्रह मैंने ये आइडिया, क्योंकि तब मेरे ख्याल से मैं 28-29 साल का था और मैंने पहली बार वोटिंग रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया था और मतलब करना चाहा था, और पता चला बहुत दिक्कतें हैं, और मैंने देखा मेरे जैसे काफ़ी सारे ऐसे यंग लोग हैं जो वोटिंग करना चाहते हैं लेकिन मतलब सिस्टम इतना ब्रोकन है, आप किसी तहसीलदार के ऑफिस में जाओ आधा एक घंटा खड़े रहो तो कोई नहीं करना चाहता, और बैंगलोर तो IT सिटी है, तो हमने बोला इसमें तो एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो काफ़ी सपोर्ट मिला फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जनाग्रह, दैट टाइम वी पार्टनर्ड विद टाटा टी, और एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया, उसकी एड बहुत पॉपुलर हो गई थी, बहुत पॉपुलर, जिसमें एक लड़का वो चाय पिलाते जा रहा था और बोला कि जागो, आप अगर इलेक्शन के दिन आप वोट नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो। बहुत सुंदर कैंपेन। तो वो पूरा कैंपेन टाटा टी को ऑन बोर्ड लाना, वो सारा काम मैंने किया था। हमने 10 सिटीज़ में हमारे चैप्टर्स लगाए थे, एक यूथ पूरी ये टीम अंडर 30 यूथ द्वारा थी, मेरे साथ मैं और 4 IIT मद्रास के एलुमनस को एक एक साल का सेबेटिकल दिलवा दिया मैंने, बोला कि आप सारा छोड़ो एक साल इस कैंपेन पे लगो, तो सारे लोग आ गए थे, और एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल रहा था कि आप कुछ चीज़ जब शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं आपके साथ, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और तब मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज़ द डायरेक्शन दैट मुझे काम इस पर करना चाहिए, और तभी ये सोच थी कि देखिए ये सारा चीज़ तो सीखने समझने के लिए है, नॉन प्रॉफिट और NGO से आप समझ सकते हो, आप समाज से नज़दीक हो, जैसे अरविंद जी ने भी परिवर्तन NGO शुरू किया था, तो आपको एक समाज की ज़रूरतों का अंदाज़ा होता है, बट इसको बदलना कैसे है, आप एक्टिविज़म के थ्रू तो कर सकते हो थोड़ा, बट लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। शुरुआत से मेरा ये रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर मौका मिले तो एक अच्छी प्रकार की पॉलिटिक्स से जुड़ना ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि चलिए देश को अगर बदलना है, इतने बड़े अगर हमारे एम्बिशन है, तो कुछ समझ भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं। तो 2010 में मैं मुझे फुलब्राइट फेलोशिप मिली थी। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और US गवर्नमेंट की जॉइंट स्पॉन्सरशिप से। अच्छा। काफ़ी ज़रूरी थी क्योंकि उससे बगैर मैं US
मास्टर्स प्रोग्राम करना सोच भी नहीं सकता था। कहाँ से किया आपने मास्टर्स? मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया 2010 से 2012 और उसके बाद मैंने MIT का एक पॉवर्टी एक्शन लैब है JPAL, जमील अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, अब वो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इनके जो फाउंडर्स हैं अभिजीत बैनर्जी एस्थर डुफ्लो, उनको नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला है। तो 2012 में मैंने उन्हें ज्वाइन किया था। उनकी जो सोच थी कि पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस बहुत सारे आइडियाज़ प्रपोज करते हैं लेकिन उसमें कोई एविडेंस नहीं होता और आप देखो हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे ही बह जाते हैं क्योंकि कभी किसी ने डेटा या इवैल्यूएशन करने का सोचा ही नहीं। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट किया जाए और 2012 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया एंड 2013 में उसी लैब के साउथ एशिया ऑफिस में पॉलिसी टीम सेटअप करने के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। एंड देन वहाँ से आपका आम आदमी पार्टी से कनेक्शन कैसे बना? तो देखिए 2000 तो जैसे मैंने कहा कि जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ 2011 में और 12 में जब पार्टी बनी तब मैं US में था तो मेरे लिए एक ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि मैं तब भारत में नहीं हूँ। ऑब्वियसली तब प्रोग्राम चल रहा था तो मैं सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के नहीं आ सकता था, बट तभी से मैंने जिस दिन ये सोच का बर्थ हुआ एंड स्पेशली जब पार्टी बनी तब मुझे क्लियर था कि दिस इज़ द वे टू गो, कि इसी प्रकार की राजनीति की। और देखिए मतलब आम आदमी पार्टी का जो रहा है कि बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आए हैं क्योंकि सबके मन में ये था कि ऐसी कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर हम सारे जुड़ सकें। तो मेरे लिए जब मैंने प्राइवेट सेक्टर का जॉब छोड़ा था तभी मुझे क्लियर था कि नहीं पॉलिटिक्स से ही सही बदलाव आ सकता है, बट ऑब्वियसली तब कोई ऐसी पार्टियाँ नहीं थी कि जिससे मैं ज़्यादा खुद यू नो पॉजिटिवली प्रभावित हूँ। तो 2013 में 2012 में जब ये हुआ आम आदमी पार्टी का तब से मैंने थोड़े फंड्स देना या सपोर्ट करना दूर से शुरू कर दिया था और 2013 में मैं इसलिए दिल्ली आया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी थी। तो मैंने खास करके मैंने चुना कि जब मैं देश आऊँ वापस, मैं केवल पढ़ाई के लिए गया था US, तो दिल्ली में आऊँ ना कि बैंगलोर में जाऊँ या बॉम्बे जाऊँ या कहीं और पे। और 2013 से एक हिसाब से एटलीस्ट मैंने ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया लेकिन 2015 में जब सरकार बनी तब क्योंकि देखिए मैं किसी से जुड़ा नहीं था आम आदमी पार्टी में और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे हैं जो किसी को जानते पहचानते नहीं है, यही कि एक साथ जुड़े और साथ में चल दिए। तो मेरी जर्नी शुरू हुई 2015 में जब हमारी सरकार बनी और क्योंकि एट दैट टाइम मैं JPAL जो पॉवर्टी एक्शन लैब का पॉलिसी हेड था फॉर साउथ एशिया और पहली बार हमने जो बजट प्रेजेंट किया मनीष जी ने उसमें कहा कि हमारा एजुकेशन का बजट डबल हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी देश भर के, बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि कोई सरकार आ रही और पहले साल में एजुकेशन का बजट डबल कर दिया। और कोइंसिडेंटली मेरी जो संस्थान थी JPAL ने सबसे ज़्यादा काम उन्होंने एजुकेशन में किया था, 10 साल या करीबन 15 साल में बहुत रिसर्च कर रखी थी कि एजुकेशन में क्या चीज़ें काम कर सकती है क्या नहीं काम कर सकती। तो हमने सोचा कि चलिए मिला जाए और वी विल शेयर आर लर्निंग्स एंड लेसन्स। तो अक्सर ये होता है कि यू नो मैं तब 10-12 स्टेट गवर्नमेंट से काम कर रहा था और जब आप चाहते हो कि किसी सरकार से मिलने तो आप 3 बार चिट्ठी लिखते हो, 10 कॉल करते हो, तब जाके कोई एक डायरेक्टर लेवल का बंदा मिलेगा, फिर जाके सेक्रेटरी 15 मिनट देगा और मंत्री 1 मिनट देगा। ये लॉजिक है कि किसी को ये सारे आइडिया सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम कुछ मोटिवेटेड IAS ऑफिसर्स हैं कि नहीं हमें कुछ करना, लेकिन बहुत चुनिंदा। इंटरेस्टिंगली दिल्ली में जब हमने इसके लिए एजुकेशन पे हमने आइडियाज़ सुझाव देने चाहे और हमने अप्रोच किया तो पहली बार मेरी मुलाकात आतिशी से हुई और उन्होंने 2 घंटा बात करी, शी वॉज़ द एडवाइज़र टू एजुकेशन मिनिस्टर, और उन्होंने ये समझा पूरा और उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले सोच रही थी कि किसी एजुकेशन की सेक्रेटरी वगैरह से आपको मिला दें लेकिन इसको तो सीधा एजुकेशन मिनिस्टर के पास हमको बैठना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो थर्सडे फ्राइडे था, टिपिकली होता है कि चलो 1-2 हफ्ते बाद मिनिस्टर से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं सैटरडे को, मिनिस्टर भी बहुत कीन है, आप घर पे आइए। पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 जो भी लीडरशिप टीम थी हम सारे पहुँचे। पहली बार मेरे जीवन में किसी एजुकेशन मिनिस्टर के सामने मैं बैठा जिसने 3 घंटे बिताए रिसर्च को डिस्कस करने के लिए कि नहीं आप बताइए कि दुनिया भर में जो
पॉवर्टी एक्शन लैब ने सीखा है कि बांग्लादेश में क्या काम किया, अफ्रीका में क्या काम किया, साउथ अमेरिका में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें क्या काम किया, और उसमें हम दिल्ली में क्या सीख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल हमारे मंत्री ने पूछे, तो ये आउटस्टैंडिंग था मेरे लिए भी और मेरे कॉलीग्स के लिए भी। ऑफ कोर्स मैं तो मेंटली जुड़ा हुआ था एक हिसाब से, बट मेरे लिए वो पहली मुलाकात थी मनीष जी से, और मेरे लिए एक मतलब वो कहते हैं ना कि एक क्लियर सिग्नल था कि जितना बड़ा सपना हम लेके आए हैं हम वाकई में उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और तब से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ। और मैंने एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो हमने काम किया, बट मैंने वॉलंटियरिंग करना शुरू किया ऑन पॉलिसी मैटर्स। तब हम मोहल्ला सभा की पॉलिसी पे काम कर रहे थे, कुछ और एक दो एरियाज है जहाँ पे पॉलिसी पे काम कर रहे थे, और एक डेढ़ साल वो वॉलंटियरिंग फेज़ रहा। और 2016 के अंत में मुझे सिसोदिया जी ने कहा कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत हमें सरकार के अंदर है, नॉट एज अ एडवाइज़र फ्रॉम आउटसाइड। तो फिर डिसाइड किया और वो जॉब छोड़ी और 2016 में मैं सरकार के साथ जुड़ गया। तो मनीष जी के साथ मतलब जितना भी एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं, मेरे और मित्रों के रहे हैं, बड़ा कंफर्टेबल कर देते हैं आपको, एक दोस्त की तरह मिलते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा, पहली मुलाकात कैसी थी मनीष जी? नहीं, मेरा जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो वो मीटिंग थी, थोड़ी फॉर्मल मीटिंग थी जिसमें काफ़ी एंगेज रहे थे। और देखिए ये होता है कि कई बार लोगों की अपेक्षा होती है कि मंत्री एक विजन दे दें, काफ़ी है, मतलब हमारी भी उम्मीदें हमारे मंत्रियों से उतनी हो गई है। वो एक ऐसे मंत्री हैं जो, और एक हिसाब से क्योंकि मैं अभी सीएम से भी काफ़ी काम कर रहा हूँ, दोनों में ये है कि विजन तो है लेकिन विजन के साथ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा, जो नट्स एंड बोल्ट्स व्यू है कि क्या चीज़ें काम करेगी क्या नहीं करेगी, वो उनका जो नज़रिया है, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आम आदमी पार्टी आज जो सोच रही है वो कर पा रही है। और मतलब वैसे भी पर्सनली मैं मनीष जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, एंड यू आर वेरी राइट, आपको ये कभी नहीं लगेगा कि इतने बड़े मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, टॉप लीडरशिप है पार्टी की। और मेरे ख्याल से द फैक्ट दैट मतलब आज भी अगर आप इन्हें देख लें कि आपको ये नहीं लगेगा, अगर कोई आपको इंट्रोड्यूस ना करे उनसे, कोई थर्ड पर्सन मीट कर रहा है कि नहीं ये इतने बड़े मंत्री या लीडर हैं, तो यही हमारी पार्टी की खासियत रही है कि जो लोग आए वो एक जुनून लेके आए हैं, और सारे आम आदमी थे और आम आदमी हैं। आज भी अगर उनका वे ऑफ लाइफ देख लीजिए या अरविंद जी का वे ऑफ लाइफ देख लीजिए, कोई बदलाव नहीं आया है। और जो इनिशियल इंस्पिरेशन है, आई थिंक यही कारण है कि आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सोच फैलेगी, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द आइडिया, इट्स ऑल्सो द पीपल बिहाइंड द आइडिया। क्योंकि आइडिया तो मतलब बोलने के लिए सब बोलते हैं कि हम करप्शन फ्री राजनीति करेंगे, स्कूलों के लिए काम करेंगे, कितनी पार्टियों ने किया है, इट इज़ द पीपल एंड दी ऑनेस्टी ऑफ द पीपल बिहाइंड दिस आइडिया दैट मेक्स द आइडिया पावरफुल। कितना मुश्किल होता है लीडरशिप के सपनों को आकार देना, खासतौर से दिल्ली जैसी सरकार में जिसके पास आधे अधूरे राइट हैं, जो हैं उनको भी लोकसभा ने छीनने का काम किया, शुरू कर दिया। कितना मुश्किल होता है उसको नीचे, जैसे आपने बोला, नट बोल्ट गवर्नेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा पाना, एग्जीक्यूट करवा पाना? देखिए, इट इज़ आई थिंक इट इज़ अ ट्रिमेंडस एक्सरसाइज इन विल पावर, आई कैन जस्ट टेल यू दैट। कि मुझे किसी अफसर ने कहा था, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने जिसने हमारी सरकार में भी कुछ सालों काम किया, कि बाकी जो सरकारें जो काम करती हैं उसका आप 10 गुना उतनी मेहनत करते हो वही काम करवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास आधी अधूरी सरकार है। और पहले दो साल हमारी सरकार के 2015-16-17 में आपने देखा होगा कि थोड़े काफ़ी क्लैशेस रहे हैं, क्योंकि जनता को जो उम्मीदें थी कि ये करेंगे वो करेंगे, हमने सारी करने चाहे, बट ऑब्वियसली रोड ब्लॉक्स आए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। और हमारे लिए एक मतलब मिरर था कि आज हमने देश की डेमोक्रेसी को ये बना रखा है कि डेमोक्रेसी का फसाड बना रखा है और लोगों को चुन लिया है, बट उन लोगों को आप पावर्स नहीं देते, उन लोग वो लोग जो विजन लाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब हर एक अफसर को पूरी डेमोक्रेसी है कि एक चीज़ लिख दे फाइल पे और पूरा प्रोजेक्ट अटक जाता है। तो ये मतलब एट अ लार्जर लेवल इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सॉर्ट ऑफ की दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी इन मतलब ट्रांजिशन, मतलब जो डेमोक्रेसी का जो एक हमारा विजन है हमारे फाउंडिंग फादर्स का, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का,
गांधी जी का, नेहरू जी का, उससे हम बहुत दूर हैं, वो विज़न पहुंचने में हमें टाइम लगेगा, बट फिर भी हमने ये सारे काम कर दिखाए हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास एक साफ सुथरी अच्छी नीयत वाली सरकार हो तो भले इसके लिए 2400 घंटे काम करने पड़े, हम काम करेंगे। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हम सारे लोगों के काम करवा देंगे, ये नहीं कह सकते कि ये काम एक महीने में हो जाएगा, भले कुछ काम के लिए 2 या 3 महीने भी लगे, लेकिन एक एक चीज़ के लिए हम जवाबदेह हैं। और इसलिए जो जो हम प्रॉमिस अब तक हमने किए हैं, एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने डिलीवर नहीं करी है। तो आई थिंक आंसर इज़ बैक इन ऑनेस्टी एंड नीयत आपकी क्या है। पर लोगों तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से उन लोगों तक जिनके पास पूरी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जिनके पास दिल्ली जैसा आधा अधूरा स्ट्रक्चर नहीं है, जहां सरकारें पुलिस का गलत यूज़ कर रही हैं, स्ट्रक्चर का गलत यूज़ कर रही हैं, मैनिपुलेशंस कर रही हैं और अपनी ताकत का, अपने बल का हर वो प्रयोग कर रही है जिसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। वैसे ताकत नशा देती है, सुना तो है। हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया दिल्ली में, मैं इतना कह दूं कि हमारी जो पूरी कोशिश रही है कि चुनी हुई सरकार को सारी ताकत दे दें, सो दैट मतलब जो चीज़ें, मतलब हमारा आज दिल्ली और देश का जो सपना है बहुत बड़ा है, मतलब और हम इन छोटी चीज़ों में अगर बहस में रहें तो टाइम एनर्जी सबका वेस्ट होगा। बट मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ शालीन, कि चलिए विपक्ष, हमें पता है भाजपा नहीं चाहती है कि चुनी हुई सरकार भी अगर हो तो उसके पास कोई भी ताकतें हो, लेकिन मेरा ये विश्वास हमेशा रहा है कि हर बंदे में एक अच्छाई होती है और सिस्टम का आज जो भी हिस्सा है, अफसर हो, कोई और अधिकारी जो भी हो, और जितने काम आज हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे अफसर एक साइड है और पार्टी, हमारे साथ बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे विजन से कई सारे लोग सहमत हैं और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो ऑनेस्टी है, हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है। तो भले आप कितने भी कायदे कानून डाल दो, ओवर टाइम आई एम श्योर जो जस्टिस होगा वो हमारी फेवर में होगा, बट आज हम इतना काम जो कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों की अच्छाई को टैप कर पा रहे हैं, जो सिस्टम के जिनके पास पावर्स हैं, जो हमारे साथ आज खड़े हैं। और इसी कारण आज, मतलब जो कह रहे हैं ना कि आपने हमको एक तालाब में छोड़ दिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार को हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और कहा कि तालाब अभी स्विम करो, क्योंकि हमने तो कहा कि हम तालाब स्विम करेंगे 5 साल में और फिर भी हमने किया है। तो इसका कारण यही है कि एक इच्छा शक्ति है और दूसरा हमने कई लोगों को जोड़ा है सिस्टम में, सिस्टम के बाहर, जो चाहते हैं कि नहीं ऐसी प्रकार की राजनीति प्रॉस्पर करे और देश में आगे बढ़े। आपकी शादी कब हुई थी? 2014। अच्छा, कैसे मिली आपको भाभी? मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क में था। अच्छा। 2010 से 2013 मैंने आपको कहा कि मैं US में था, तो वो तमिलियन है, वो भी अपनी पढ़ाई करने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी आई थी और उन्हीं के कैंपस में हमारी मुलाकात हुई थी। कुछ बताइए उनके बारे में। पद्मप्रिया है उनका नाम और मैं आज कह सकता हूँ कि आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो एक पिलर ऑफ सपोर्ट है, एक साउंडिंग बोर्ड है मेरे लिए, वो है। ऑफकोर्स फैमिली ने शुरुआत से हमेशा साथ दिया है, ख़ास करके मेरे बड़े भाई ने, बट 2012 में हमारी मुलाकात हुई थी, 2014 में हमारी शादी हुई। शी बिलोंग्स टू अ आर्मी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर इन लॉ ब्रिगेडियर रहे थे इंडियन आर्मी में, तो उनकी भी परवरिश देश भर में, पंजाब में, दिल्ली में, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हुई थी और बस उनका भी एक बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल है, बट उनका भी देश के प्रति एक सपना है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ, शी इज़ अ सॉलिड सॉर्ट ऑफ सपोर्टर एंड गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड शी हैज़ ऑफ कोर्स अ वेरी बिजी प्रोफेशनल लाइफ। वो डांसर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं एंड शी ऑल्सो इज़ वर्किंग विद अ नॉन प्रॉफिट इन आर्ट्स एंड कल्चर। उनका आर्ट्स एंड कल्चर उनके दिल के करीब है, बहुत शी इज़ एन आर्टिस्ट हर सेल्फ, बट शी इज़ ऑल्सो पब्लिक पॉलिसी
प्रोफेशनल, मतलब उन्होंने भी पब्लिक पॉलिसी पढ़ी है, तो नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट वो चाहती हैं कि आर्ट्स एंड कल्चर की जो पूरी सिस्टम है, व्यवस्था है, वो देश में बहुत ही डिटीरियोरेट कर रही है. बहुत उनका पैशन उस दिशा में है. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. घर में गुजराती में बात करते हैं? बिल्कुल गुजराती में बात करते हैं. अच्छा, वाइफ समझती हैं गुजराती? अब तो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया है, बट शी स्पीक्स तमिलियन. फॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं चेन्नई IIT मद्रास में मेरी पढ़ाई हुई थी. अच्छा. और जब मैं प्राइवेट सेक्टर में था तो एक साल तमिलनाडु में भी काम किया था, तो थोड़ी तमिल मैं भी समझता हूँ. रजनीकांत की बहुत मूवीज़ देखी है. अच्छा. जो कि वो फ़ायदे में नहीं होती है जब आप परिवार से तमिल में बात करते हो, क्योंकि वो स्लैंग तमिल है. बट इन लॉज के साथ, और वो माय वाइफ स्पेशली स्पीक 6 लैंग्वेजेस. तो साउथ की सारी लैंग्वेजेस, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश. हाँ, सो एज एन बहुत बड़ा एडवांटेज है. हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है वो, क्योंकि उन्होंने सारी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रखा है. केरला की फिल्म इंडस्ट्री, तमिल, कर्नाटका, तेलुगु, बंगाली में भी एक दो फिल्म्स कर रखी हैं. अच्छा. हिंदी में भी की हैं. तो ये तो बहुत ही यूनिक है. स्ट्रेस बस्टर क्या है आपका? फैमिली, आई वुड से इजीली. क्योंकि देखिए, एक हिसाब से मैं वाकई में कहूँ तो आई थिंक इलेक्शन जब होते हैं तब ज़्यादा स्ट्रेस होता है, राइट? क्योंकि आप इस काम में लगे हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो मतलब वो कोई अननेसेसरी स्ट्रेस मेरे हिसाब से नहीं होता है. बट वी डेफिनेटली, आई मीन, आई लाइक टू ट्रैवल हिल स्टेशंस स्पेशली. दिल्ली एक ऐसी अच्छी जगह है कि आप आसपास में बहुत जगह जा सकते हो, तो दैट इज़ वन थिंग. स्पोर्ट्स, आई प्ले बैडमिंटन वेरी ऑफन, सो दैट इज़ वन थिंग. एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट कीप मी ग्राउंडेड. सबकी उम्मीद यही है, हम सबकी, कि अपना गोल्डन पीरियड जिसको हम कहते हैं लाइफ का, वो देश की एक बदलाव के लिए दे दें. और जब तक हम, जब हम इस दुनिया से जाएं, वो सब सपने जो आज हम देख रहे हैं वो पूरे हो चुके हों, और बहुत चैन की नींद सो के जाएं. क्या ऐसी चीज़ है आपको, जो आपको लगता है कि इस फील्ड के अंदर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है? देखिए, मैं, मुझे जो लगता है कि जिस जर्नी में आज हम हिस्सा हमने लिया है और जो शुरुआत करी है, वो इतनी बड़ी लड़ाई है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि अपने जीवन में, क्योंकि मैं 40 साल का हूँ, होपफुली 30-40 साल तो देखूँगा काम करूँगा, तो 30-40 साल और 10 साल तो हो गए ऑलमोस्ट आम आदमी पार्टी को, तो 40-50 साल तो काफ़ी टाइम होता है बदलाव लाने के लिए. बट बाकी सारी पार्टियां तो 100 साल से अधिक रह के, और खास करके BJP को आज जिस पोजीशन में है, दे आर एट अ स्टेज आफ्टर सो मेनी डेकेड्स ऑफ वर्क. बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि फंडामेंटली अगर इस देश की राजनीति बदल सके और एक क्लियर, मतलब काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश हो सके देश के कोने कोने में. दिल्ली में आज शुरुआत वो हो चुकी है, मतलब 7 साल पहले शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पे साफ सुथरे कॉम्पिटेंट लोग पॉलिटिक्स में आए, चुनाव लड़े, सरकार बनाए और लोगों के लिए काम करें. और ये देखिए, 2011-12 में जब आम आदमी पार्टी 12 में जब बनी थी, तब किसी को ये सोच भी नहीं सकते थे कि 70 साल में कि अब ये ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ भी सकती है जो क्लीन मनी से, बहुत कम पैसों से, शराब या पैसे बांटे बिना चुनाव जीत सकती है, ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, प्रोफेशनल्स जीत सकते हैं. तो मुझे ये लगता है कि अगर इस प्रकार की पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश हो सके देश के हर कोने में, और अरविंद जी जैसा एक लीडर जिसने मतलब ऐसा एक काम किया है जो एक सेंचुरी में, मुझे नहीं लगता कि इवन इन वंस इन अ सेंचुरी, एक नई पार्टी जो एक नेशनल पार्टी का जन्म स्क्रैच से जो जिन्होंने लीडरशिप करी है, वो अगर देश के प्रधानमंत्री बन सके, आई थिंक उस सपने से मैं जुड़ा हूँ. एंड अगर वो होगा और देश के लोग तय करेंगे कि क्या वो तैयार हैं कि नहीं ऐसे प्रकार की राजनीति के लिए, तो मैं मानूंगा कि जीवन सफल रहा. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस चर्चा को बहुत सारे वो लोग सुनेंगे, और उस मकसद के साथ ही हम इस इंटरेक्शन को, और इस तरह के बहुत सारे इंटरेक्शन को शुरू करने की जिम्मेदारी ली है. जो लोग राजनीति को अछूत समझते हैं, एक टाइम पे मैं भी समझता था,
आपने कहा कि आप हमेशा से इंक्लाइंड रहे, आपने आपके पास ये विज़न था कि कैसे पॉलिसी और पॉलिटिक्स देश को बदल सकती है, मैं बहुत अछूत समझता था। इनफैक्ट जब पॉलिटिकल पार्टी बनने का डिसीज़न हुआ तो मैंने मनीष जी से लड़ाई की छोटी सी एक, और उन्होंने मुझे समझाया और मैं शांत हुआ। क्या मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं लेकिन एक हिच होती है टोपी पहनने में, गली गली जाकर घंटी बजाकर लोगों से बात करने में, या वो लोग जो आज दूसरी पार्टियों में हैं अच्छे नीयत के साथ आए थे लेकिन उनकी पार्टियों ने उनको वो माहौल नहीं दिया, वो तरीके नहीं दिए कि वो ईमानदार राजनीति को एस्टेब्लिश कर सकें, कैसे वो आम आदमी पार्टी का रास्ता पकड़ सकते हैं? शालिन, मैं इसमें और एक कैटेगरी के लोगों को जोड़ता हूँ, क्योंकि जो लोग बहुत ही प्रॉस्परस हैं इस देश के, और ऐसे कई लोगों से हमारी बातचीत चाय होती है, चाय पे मीटिंग, कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, आप जुड़े, और उनको यही लगता है कि नहीं, हम ना किसी एनजीओ को डोनेट करते हैं लेकिन पॉलिटिक्स हमें कुछ नहीं करना। और यही हिचक, मतलब इसमें अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं है, देश के एक बहुत भारी संख्या है जिनको लगता है आज की तारीख में, जैसे आप कह रहे हो, कि नहीं पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। मेरे लिए शुरुआत से देखिए, इट डिपेंड्स ऑन आपके मन में कौन है जब आप पॉलिटिक्स सोचते हैं। जब मैं पॉलिटिक्स के बारे में सोचता हूँ, मेरे मन में पहले गांधी जी आते हैं, पहले नेहरू जी आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। कितनी प्यारी बात। तो मेरे लिए पॉलिटिक्स इज़ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। क्या बात। और अगर आप वाकई में देश को बदलना चाहते हैं तो मतलब और क्या तरीका होगा आप ये, क्योंकि एक चीज़ लोगों को सोचने की ज़रूर है कि आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने चैरिटी में कुछ पैसे दिए, मंदिर जाता हूँ, मंदिर में दान देता हूँ, अच्छी बात है, सारी चीज़ करिए, लेकिन देश की आज आपसे क्या पुकार है? देश की पुकार है कि देश कैसे बदलेगा? देश तो मतलब ऑब्वियसली थ्रू गवर्नेंस ही बदलेगा। और आप अगर आज पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कुछ लोग एज अ कार्यकर्ता डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ बाहर से भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो सपोर्ट नहीं देते तो देश की हर एक चीज़ जो आपके खुद को, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, नहीं, लेकिन अगर आप देखें आज देश की जो सिचुएशन है, स्कूल, अस्पताल, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, वुमेन सेफ्टी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसका आंसर या हल गवर्नेंस नहीं है। और अगर लोग मतलब एडवांस्ड डेमोक्रेसीज अगर आप देखें, मतलब ये भी सोचने वाली बात है कि जब मैं US में था तब बराक ओबामा का कैंपेन चल रहा था, 2012 का जो कैंपेन था, और उसमें एवरेज हर एक कॉलेज गोइंग यूथ डोनेट कर रहा था $10-$10, $20-$20। जब ड्यूरेशन पास में आता था वोटिंग का, तब सब एक वीकेंड के लिए डोर नॉकिंग करते थे, प्रोत्साहित करने के लिए कि ओबामा को वोट दीजिए, उनको लाइए। और मैं ये देख के मतलब एकदम शॉक्ड था कि मैं IIT में पढ़ा, फैसिनेटिंग है, वहाँ पे कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होता है, कोई सोचता ही नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। सो ये जो आइडिया है कि डेमोक्रेसी का जो ब्लड है वो है सिटीजन एंगेजमेंट, बिल्कुल, और पॉलिटिकल आप ये नहीं है कि चलो आप इसी पार्टी को ज्वाइन करो। द फैक्ट दैट इस देश में आज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोग पॉलिटिक्स के नाम से सोचते हैं कि नहीं बहुत गंदी चीज़ है, तो मेरा तो यही एक मैसेज रहेगा कि जब आप पॉलिटिक्स को सोचते हो, थिंक अबाउट द पीपल हु हैव गिवन बर्थ टू दिस कंट्री, दे आर पॉलिटिशियंस ऑफ दिस कंट्री। वेरी राइट। और आज आम आदमी पार्टी में आपको एक झलक मिलती है कि ऐसे प्रोफेशनल्स हु आर एकम्प्लिश प्रोफेशनल्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, दे हैव कम फॉरवर्ड। और अगर आज आप इस पार्टी के साथ नहीं खड़े होते या इसको सपोर्ट नहीं देते, देन वी हैव कंडेम्ड आवरसेल्व्स टू the politics which is defined by crooks and corrupt people. तो ये एक बड़ा परिवर्तन होने की ज़रूर है। और पहले लोग कह भी सकते थे कि हमारे पास options नहीं है, but आम आदमी पार्टी ने आज सबसे बड़ी जो I would say जीत रही है कि लोगों को एक ऑप्शन दिया है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, अब आपके ऊपर है कि आप कितना आगे बढ़ के आना चाहें। बहुत खूबसूरत मैसेज। मैं आपसे बहुत समय से सोच रहा था आपके साथ बैठूंगा, मुलाकात करूंगा। मैंने सोचा कि ये मुलाकात मेरे लिए क्यों हो, ये सबके लिए हो, और आज दिन पूरा हो गया, अच्छा मौसम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मीटिंग्स लाइनअप है। नहीं, आपने इतना समय निकाला, थैंक यू। ऐसे बात करने का मौका कम मिलता है,
जब आप इतने रिफ्लेक्टिव मूड में चले जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए और कुछ मन में मेरी भी जो चीज़ें थी लोगों तक पहुँचा। क्या बात, गजब, शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया।